देख लेंगे। हाँ भाई, आर हमारे पास क्या है, एक्स वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव है। उसने जो ये लिखा है, आप ये भी देख लो क्वेश्चन में सब बच्चे, उसने लिखा था कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और फिर उसने बाद में भी मेंशन किया था x y बिलोंग्स टू n, तो मैंने उसको लिखा नहीं, मैंने सीधा लिख दिया कि x लेस देन 4 है और x नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ रही है ना भाई? x y जब x y उसने कह दिया लास्ट में नेचुरल नंबर है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब लेस देन 4, अब हमारे पास दो चीजें हो गई कि व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। तो हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 4। अब आप बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। यस, 1 2 3। बट हमारा जो y है वो x प्लस 5 है, x प्लस 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 1 होगा तो y 1 प्लस 5 हो जाएगा 6। अगर x 2 होगा y 2 प्लस 5 होगा 7। x 3 होगा y 3 प्लस 5 8। These are our order pair. तो r हमारा आ गया 1 6 2 7 3 8 and 3 8। These are the order pairs of the, ठीक है सर, our relation। अब अगर आप कहो कि सर डोमेन बताओ, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तो वो आएगा 1 2 1 2 3। और अगर आपको नहीं सर रेंज बताओ, 6 7 8। सर अब आप बताओ रिलेशन क्लियर है? यस सर। आप सुनिए एक कहानी छोटी सी, बस छोटी सी कहानी क्या है, ए रिलेशन आर इज कॉल्ड ए फंक्शन। ठीक है भाई, एक्चुअली आर रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं। इफ डोमेन ऑफ आर इज ए, ए क्या क्या मतलब है, एक्चुअली हमारा रिलेशन क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है फर्स्ट सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है, ए इंटू बी। तो जो हमारा फर्स्ट सेट है वो कंप्लीटली डोमेन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट उसमें से रह जाए। क्या रह जाए देख लो, भी किस तरह से हमने एक पहला क्वेश्चन लिया था, सब बच्चे देखो, हमने क्वेश्चन लिया था ए 1 2 और बी 2 3। सब बच्चे उसमें कार्टेशियन तो आ गया था 1 2 2 3। मैंने फिर एक रिलेशन डिफाइन किया था जहां मैंने कहा था ए इज इक्वल्स टू बी, किया था? यस सर। तो ए इज इक्वल्स टू बी में मेरा आर जो आया था रिलेशन, वो आया था 2 2, और उसमें डोमेन क्या आया था, डोमेन आया था ओनली 2, जबकि मेरा जो ए है वो कितना है भाई, 4 1 2। डोमेन मेरा जो फर्स्ट सेट है भाई, मेरा रिलेशन जो डिफाइन हुआ है वो किस में हुआ है, ए इनटू बी, और ए है मेरा 1 2 और डोमेन आया है 2, तो क्या ये इसके इक्वल है या नहीं? पर नहीं है इक्वल, नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। सर समझ में आया क्या? यस सर। सभी बच्चे देख लीजिए, अभी मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आया था जिसमें हमने ये लिया था, ए हमारा था 1 2 3 5, बी हमारा था 4 6 9। हमने उसमें रिलेशन लिया कि डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, उसमें आर आ गया 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6। मेरा डोमेन क्या आया था, 1 2 3 5, 1 2 3 5, और मेरा यहाँ पे सेट क्या था, ए 1 2 3 5। क्या डोमेन और फर्स्ट वाला सेट सेम है? यस। तो दिस रिलेशन इज फंक्शन। समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। हाँ भाई सब बताओ, देखो छोटी सी बात है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जब आप एक रिलेशन से, एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, अगर उस रिलेशन का डोमेन पहले वाले सेट के कंप्लीट हो, पहला वाला सेट जो है फुल्ली यूज हो रहा हो, फुल्ली यूटिलाइज हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम उसको डोमेन कहते हैं, उसको हम फिर फंक्शन कहते हैं उस रिलेशन। सर सही है क्या? यस सर। आवाज मुझे दो की आ रही है, बच्चे हमारे पास ज्यादा हैं। जुहैर सर, जुहैर आपको समझ में आ रही है बात? यस
विवेक यस सर आ रही है ठीक है शाबाश अब देखो अभी एक कंडीशन और करते हैं अभी दो एक कंडीशन पे नहीं होता है बेसिकली एक और कंडीशन पे होता है तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि रिलेशन का जो फर्स्ट सेट है वो उस रिलेशन का डोमेन होना चाहिए तो फर्स्ट कंडीशन इफ ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेकंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर मस्ट बी यूनिक ठीक है जो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं रिलेशन में वहां पे फर्स्ट एलिमेंट यूनिक होना चाहिए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए तो जो अभी हमने लिया था रिलेशन कि x और y का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए तो उसमें जो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आए थे प्लीज ध्यान से देख लो वो क्या आया था वो आया था 1 4 है ना भाई 1 6 ये आया था आपका रिलेशन आर ये वाला नजर आ रहा है इसमें क्या था 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6 तो पहले वाले में ही देखो पहला वाला आ रहा है 1 4 और फिर आ रहा है 1 6 तो क्या फर्स्ट एलिमेंट यूनिक है या रिपीट हो रहा है रिपीट हो रहा है तो अगर एक भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट रिपीट हो गया तो फिर यानी कि वो फंक्शन नहीं सर बात समझ में आ गई यस सर ये ये है ना बेटे जैसे दूसरा वाला है 3 4 और 3 6 तो 3 दोनों में सेम आ गया ना बेटे सर आ गया ठीक है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए ठीक है ओके सर बस ये ध्यान रखना अब देखो एक हमारे पास हमने और किया था ये वाला अब यहाँ देखो सारी कंडीशन ये हमारे पास क्या है डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स ठीक है वेयर एक्स वाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यहाँ पे हमारे पास डोमेन तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्योंकि नेचुरल से नेचुरल है कि उसका सबसेट हो रहा है लेकिन अगर आप चेक करोगे क्या हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आए हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है या नहीं डिफरेंट yes, तो ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एक एलिमेंट के लिए एक ही रिलेशन होना चाहिए ये हमें देखना ठीक है फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो 1 के लिए 6 है 2 के लिए 7 है 3 के लिए 8 सर समझ में आ गया यस सर यस सर यस सर अब इतनी सी ही बात पे आपके क्वेश्चंस दिए हुए पहले तो सिंपल से सिर्फ इतनी सी बात पे सर जी ये जो फंक्शन होगी दोनों को ही सेटिस्फाई करना है अगर ये ऐसा हो कि किसी एक को कर रहा है तो नहीं नहीं बोथ कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई ठीक है टू बी ए फंक्शन ए रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन ए फर्स्ट सेट इज डोमेन एंड फर्स्ट एलिमेंट इज यूनिक ठीक है yes, ये yes, दोनों कंडीशन देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं पहली बात इस पे कंडीशन पे तो फिर आगे बढ़े ये हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजन इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज ठीक है तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो हमें पता ही नहीं चल रही है कि हमारा डोमेन किस है या नहीं है आपको सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है कि भाई हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट यूनिक है या नहीं तो पहले वाले ऑप्शन में क्या फर्स्ट एलिमेंट यूनिक है हाँ भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में क्या है 2 5 8 11 5 11 17 17 ओके सेकंड एलिमेंट सेम आ सकता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो इट इज अ फंक्शन अब कोई बच्चा बताएगा डोमेन क्या होगा इसमें 2 5 8 11 14 17 यस रेंज क्या होगा इसमें 1 1 1 होगा रेंज 1 1 बट अच्छा सेकंड वाला ऑप्शन बताओ सेकंड वाला है या नहीं है फंक्शन 2 4 6 8 10 12 14 यस सर है डोमेन बता सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 रेंज बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास फंक्शन है नहीं है सर नहीं है क्यों नहीं है एक सेट हो रहा है यूनिक मिल रहा है
ठीक है जी, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और देखो, मजाक में एक या दो क्वेश्चन देखो, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कर सकते हैं सब बच्चे, कर सकते हैं। ये आपसे कह रहा है फंक्शन थर्ड वाले में f इज डिफाइंड बाय fx 2x minus 5, राइट डाउन द वैल्यूज। f जीरो की वैल्यू सब निकाल सकते हैं, माइनस फाइव वैल्यू तो रखनी है, x की जगह जीरो रखो, माइनस फाइव माइनस फाइव। एफ सेवन निकाल सकते हैं, नाइन टू नाइन। एफ माइनस थ्री निकाल सकते हैं, माइनस इलेवन माइनस इलेवन। क्वेश्चन नंबर फोर, द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर, ठीक है, फाइनाइट डिफाइन बाय टी सी इज इक्वल टू टी जीरो निकाल सकते हैं, सी की जगह जीरो रख दो। हाँ भाई, पहले का 32 32 32 टी 28 32 5 जा कितना होता है भाई, 32 5 जा कितना होता है 150 160, और 928 कितना हो जाएगा अब जो मेन पार्ट है सर, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और खत्म होता है, बस असल यही है। आप सब बच्चों को यही बस इतना सा ही चैप्टर है, बाकी तो मजाक हो रही है, ये है सर बस। इसको आप समझ लें तो इंशाल्लाह काम चलेगा। इस एक्सरसाइज में तो थर्ड वाली में ये दो क्वेश्चन है बस, या ये कहिए पूरे चैप्टर में सिर्फ यही दो क्वेश्चन है, और मिसलेनियस अगर कहें ये हैं सिर्फ पांच क्वेश्चन। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और यही खत्म होता है, और ये मान के चलिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शनल में से भी नहीं आता। ठीक है सर, देखो क्या कह रहा है। Find domain and range. और यहाँ पे जो mention करता है वो सबसे important चीज़ है, for real function. ये ठीक है सर, एक्चुअली जो अभी हम कर रहे थे बेटे बस वही चीज है। वही चीज क्या है मैं आपसे कह दूं, fx is equals to x plus 2। तब बच्चे जरा ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि सारा फंक्शन दिमाग में होना है सॉल्व, कैलकुलेशन ज्यादा होनी नहीं है, तो तभी पता चलेगा डोमेन क्या है रेंज क्या है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास सपोज करो एक फंक्शन है fx x plus 2, तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। एक्चुअली हम रिलेशन को ही फंक्शन कह रहे हैं, तो रिलेशन होता है एक्स वाई, फर्स्ट एलिमेंट को हम एक्स कहते हैं, सेकेंड एलिमेंट को वाई कहते हैं। अब अगर ऊपर वाले फंक्शन में, या मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, x belongs to a, y belongs to b, बेटे अजान हो रही है, नमाज पढ़ेंगे मगरिब की, 3:02 बाद में करना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैंने x को जीरो रखा, पढ़िए पहले बाद में बात करेंगे जी, अगर मैंने x को जीरो रखा तो
तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी? टू। अगर मैंने वन, अगर मैंने वन रखा तो एफ वन की वैल्यू क्या आएगी? थ्री। अगर एक्स को माइनस वन रखा तो क्या आएगा? प्लस वन। तो कुछ इस तरह से आप एक तरह से ध्यान में रखो, इस तरह से टेबल बन रही होगी। एक्स और एफ एक्स या वाई कह लीजिए उसे। तो अगर जीरो है तो टू है, वन है तो थ्री है, थ्री है तो फोर है, माइनस वन है तो वन है, ठीक है, कुछ भी आप ले लीजिए, तो थ्री है तो फाइव है, लाइक दिस। ये ऑर्डर पेयर्स बने आपके। तो अगर मैं आपसे कहूँ डोमेन बताओ, तो डोमेन आप किसे कहोगे? एक्स वाले। एक्स वाले क्या हो गया? जीरो जीरो वन टू माइनस वन थ्री। रेंज क्या हो गया? टू थ्री फोर वन फाइव। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में सोचो, जिसको आप प्लेस कर रहे हो। बेटे अब दोबारा से सोचो इसको, वो डोमेन है और जो निकल के आ रहा है वो रेंज है, ठीक है सर? जो आप प्लेस कर रहे हो वो डोमेन है, जो निकल के आ रहा है वो रेंज है। दोबारा से समझो, ये है हमारा फंक्शन और ये फंक्शन हमारा काम करता है एज ए मशीन। यहां से हम इसमें इनपुट देंगे, जो हम इनपुट दे सकते हैं इस फंक्शन में, जो भी हमारा फॉर्मूला बनेगा उसे हम कहेंगे डोमेन, और यहां से आएगा आउटपुट, जो भी आउटपुट आएगा उसे हम कहेंगे रेंज, ठीक है सर? अब मान लो हमारी मशीन है प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, प्लास्टिक के ग्लास बनाती है। अब प्लास्टिक के ग्लास बनाती है तो हम क्या करेंगे सर? यहां से हम प्लास्टिक डालेंगे रॉ मटेरियल, और यहां से प्लास्टिक का ग्लास निकल के आएगा, ठीक है सर? अब आप मुझे बताओ, मैं यहां से स्टील डाल दूं? नो सर। नो सर, नहीं, बस यही एक सिंपल कंडीशन है सर। बात प्लास्टिक की हो रही है तो सर प्लास्टिक ही डलेगी, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, वापस जाते हैं। हमने कहा हमारे फंक्शन है रियल फंक्शन। कैसे फंक्शन है? रियल। रियल। तो हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ हम रियल नंबर इंसर्ट करेंगे। कैसे नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर, तो हमारा आउटपुट भी रियल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है सर? तो ये कंडीशन हो गई। अब होगा क्या? अच्छा, दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास पहला वाला सेट है वो हमारे फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। यस सर। डोमेन कब होता है? जब उसके सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में यूज हो जाते हैं, है ना भाई? यस सर। यस सर। अगर कोई एलिमेंट ऐसा हुआ जो ऑर्डर पेयर में यूज नहीं हुआ, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या वो डोमेन में आएगा? नो सर। अगर वो डोमेन में नहीं आएगा तो क्या फिर वो फंक्शन बन पाएगा अगर कोई एलिमेंट रह गया तो? नहीं सर। नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कोई एलिमेंट खाली होगा तो उसे अपनी तरफ से ही निकाल देंगे, भाई तुम्हारे बगैर फंक्शन है, अगर तुम आ जाओगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, तुम बाहर निकलो। तो पहला काम तो डोमेन पे ही रहेगा नजर, कि भाई तुम्हें नहीं रख सकते हम, बाकी सबको रख सकते हैं, फिर रेंज पे देखेंगे। आओ मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो अब सब बच्चे ध्यान से देखो, यहां से कहानी दिमाग में शुरू होगी। हम कह रहे हैं हमारे पास एक फंक्शन है बेटे एफ एक्स, और एफ एक्स को मैं कह रहा हूं वन अपॉन एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है वन अपॉन एक्स। मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं एक्स की वैल्यू वन रख सकता हूं। हमने कहा ना क्या रख सकते हैं, इनपुट, दैट इज माय डोमेन। और फिलहाल हम डोमेन की बात कर रहे हैं, तो चलो भाई उसकी वैल्यू आ जाएगी वन। हम एक्स को टू रख देते हैं तो F2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2। आप सिर्फ इतना देखो, ये भी देखने की जरूरत नहीं क्या रख रहे हैं क्या आ रहा है, आप सिर्फ इतना देखो लेफ्ट में हम क्या रियल नंबर रख रहे हैं, क्या राइट में रियल नंबर आ रहा है, बस इतना देखो। हाँ भाई आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा अब जरा कुछ सोच के बताओ, क्या मैं जीरो रख सकता हूँ यहाँ? नो सर। क्यों? नो सर। क्यों? नॉट डिफाइंड।
नॉट डिफाइन बिकॉज वन अपॉन जीरो रियल नंबर नहीं होता बेटे. ऐसे कोई पार्टी नहीं है कि वन अपॉन जीरो करें वो रियल में आ जाए. ये गड़बड़ हो गई. तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो जीरो हो गया यहाँ पे, ये स्टील पार्ट हो गया, इसको नहीं रख सकते सर इस मशीन के अंदर. क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई आउटपुट नहीं आ रहा. नो आउटपुट. अगर नो आउटपुट होगा तो फिर जीरो के साथ कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, और जीरो के साथ ऑर्डर पेयर नहीं पड़ेगा तो जीरो खाली रह जाएगा. तो फिर हमारा पूरा सेट डोमेन नहीं बनेगा, तो फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा. तो हम क्या कह देंगे, अब आप खुद सोचो, खुद सोच के देखो, क्या हम x के लिए सारे रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, और हमें क्या कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज मिलती रहेगी? यस और नो? यस सर. मैंने आपसे कहा ये मत सोचो क्या रख रहे हैं हम, क्या मिल रहा है. हम ये कह रहे हैं कुछ भी, हमने रूट टू रखा मान लो. आप कहने लगो सर रूट टू रखेंगे तो क्या होगा? कोई बात नहीं, वन अपॉन रूट टू मिल जाएगा, ये भी रियल है और ये भी रियल है. यस और नो? यस सर. यस सर. आपने कहा सर 5/7 रखेंगे, हम तो भाई रख लो, हमें 7/5 मिल जाएगा, वन अपॉन था ना. यस सर. तो हमने रियल रखा. मैंने आपसे कहा कुछ, ये बस सोचो वैल्यू क्या आ रही है. मैं कह रहा हूँ रियल रखा, रियल मिल गया तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है. इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर्स वी कैन प्लेस हियर एक्सेप्ट जीरो. जीरो जीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां से बस दिमाग में चल रहा है सारा कुछ. इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो डोमेन हुआ वो ऑल रियल नंबर्स है एक्सेप्ट जीरो. जीरो हमारी कहानी खराब कर रहा है, फिर ये हमारा फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, रियल नंबर्स के सेट में से निकाल. सर समझ में आ गया क्या? यस सर आ गया. तो यही पहली कंडीशन है. पहली कंडीशन क्या है, अगर फंक्शन हमारा फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में था. चलो एक चीज और देखते हैं, आप कुछ और थोड़ा समझ. मैं आपसे कह रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस फाइव. अब आपको और क्लियर होगा, वन अपॉन एक्स प्लस फाइव. अब आप बताओ क्या मैं अब जीरो रख सकता हूँ? यस सर. तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वन अपॉन फाइव. यस. क्या मैं वन रख सकता हूँ? यस सर. क्या आएगा मेरे पास, वन बाई सिक्स. लेकिन क्या मैं माइनस फाइव रख सकता हूँ? नो सर. जीरो जाएगा, नॉट डिफाइंड. आगे अब जरा कोशिश करो कि हो क्या रहा है. एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आपका फंक्शन p बाई क्यू में है, तो आपने आज तक बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है कि q जीरो नहीं होना चाहिए. यस और नो? आप लिखते हो ना कि अगर a बाई बी है, फ्रैक्शन है, आप लिखते हो हमेशा a बाई बी अगर फ्रैक्शन है तो डेनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, है ना? लिखते हो या नहीं लिखते? लिखते हैं सर. अब दोनों ही क्वेश्चन में यही चीज आ गई कि वन अपॉन एक्स है तो एक्स नॉट जीरो, और वन अपॉन एक्स प्लस फाइव है तो आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो x plus 5 is not 0. इसका मतलब x is not minus 5. Yes or no? Yes sir. तो यहां से, यहां से आपको कंडीशन मिल रही है कि भाई कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं. तो यही बस एक सिंपल है. आ जाओ, अगर हमारा फंक्शन p by q है बेटे, पूरे उसके लिए बता रहा हूं मैं, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरडी शर्मा हो. अब इसमें आरडी शर्मा क्वेश्चन करेंगे फंक्शन में, कार्टेशियन में, और उसमें आपके रिलेशन में करने की जरूरत नहीं थी, वो तो सिंपल सी बात है. फंक्शन में कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा बहुत अच्छे से दिए हैं, तो वो करेंगे इंशाल्लाह. इस पे लगाएंगे 2-3 क्लास बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा आपको उलझना है. अब मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन अगर हमारे पास पी बाई क्यू है, तो बस यहाँ कंडीशन लगाया कीजिए कि एफ एक्स इज डिफाइंड या एफ इज डिफाइंड 4, q is not 0. Non-zero values के लिए define है, zero values के लिए define नहीं. आप जैसे ही 0 रखोगे, ये गड़बड़ हो जाएगी. समझ में आ गई बात? अब मैंने आपसे क्या कहा? मान लो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन दिया था कि भाई fx is equals to 1 upon x हो सकता है, 1 upon x plus 5 हो सकता है. मैं आपसे कह दूं नहीं, 2x minus 3 ये है. तब आप क्या कहोगे पहले वाले के लिए, f is defined 4, x is not 0. ये फर्स्ट का हो गया, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है. तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सिंपल, डोमेन ऑफ f ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0.
सेकंड क्या हो जाएगा, f इज डिफाइंड फॉर x प्लस 5 इज नॉट जीरो, दैट मींस x इज नॉट माइनस 5. तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5. थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, f इज डिफाइंड फॉर 1 अपॉन 2x माइनस 3. तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, अब यहां से देखो वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी 2x माइनस 3 इज नॉट 0, तो x क्या हो जाएगा, नॉट 3 बाई 2. यस सर नो? यस सर. तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 बाई 2. तो ये हमारा हो गया डोमेन. कौन से वाले क्वेश्चन के लिए, जहां पे फ्रैक्शन होगा, ठीक है सर, जहां पे फ्रैक्शन होगा वो डोमेन. अच्छा एक और हमारे पास क्या कंडीशन है अब. अच्छा चलो पहले एक बार बताओ, पहला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं. अगर हमारे पास फंक्शन, चलो दोनों कंडीशन ही बता दूं फिर क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, अगर हमारे पास क्वेश्चन बेटे अंडर रूट में होता है, अंडर रूट, ठीक है, सपोज करो मैं पी लिया, तो इनर वैल्यू जो है, तो यहां आप कंडीशन लिखेंगे पी एफ इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, पी मस्ट बी पॉजिटिव. अब आपको पता है जो बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है कि अगर पी इनर वैल्यू नेगेटिव होती है अंडर रूट में तो फिर वो रियल नंबर नहीं होता ना, पता है सबको? हाँ भाई. यस सर पता है सर. अंडर रूट के बाहर तो बेटे माइनस हो सकता है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता. इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इसको डिफाइन करेंगे. जैसे मैं आपसे कह दूं, अब आप खुद देख लो, मैं ऐसे ही लिख दूं एक फंक्शन fx is equal to, बहुत सिंपल, अंडर रूट x. अब आप मुझे बताओ अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1. अंडर रूट 1 तो 1 होता है. अगर मैं 2 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2. अगर मैं 3 रखूं तो क्या वैल्यू आएगी, रूट 3. अगर मैं 1/5 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 1/5. ठीक है, अंडर रूट 1/5 या 1/√5. लेकिन बेटे अगर मैं माइनस 2 रखूं तो वैल्यू क्या आएगी, क्यों भाई वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 आई, अंडर रूट माइनस 2. अब अंडर रूट माइनस 2 तो रियल नहीं होता है, और हमने कंडीशन लगाई हुई है कि हम प्लेस भी रियल ही करेंगे, हराना भी रियल चाहिए. तो इसका मतलब माइनस 2 को यूज नहीं कर सकते. अब माइनस 2 को अगर यूज नहीं कर सकते तो ये प्रॉब्लम है. लेकिन अगर आप खुद देखो, अगर मैं माइनस 3 रखूंगा तब भी अंडर रूट माइनस 3 आएगा. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, माइनस को ही नहीं रख सकते. तो हमारे पास क्या होगा कंडीशन, हमारे पास कंडीशन होगा एफ इज डिफाइंड फॉर एक्स इज मोर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, हम सिर्फ यहाँ 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज ही रख सकते हैं, उसी के लिए डिफाइन है. जैसे ही नेगेटिव रखेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो यहाँ आप यही कहोगे, आप अगर मोर देन 0 लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. मोर देन 0 का क्या मतलब है कि भाई डोमेन ऑफ एफ इज 0 टू इनफाइनाइट. यस और नो, किसी बच्चे ने लिखना सीखा हो सेट्स के अंदर मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब 0 से चूल्हा बनके प्लस इनफाइनाइट. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब. यस सर. दैट्स इट. जी बेटे ठीक है जी, ये हमारे पास होता है कि डोमेन हमारा जो है 0 से इनफाइनाइट. अब दो ही कंडीशन है, अगर अंडर रूट वाले फंक्शन है आपके यहाँ पूरे क्लास में, या फ्रैक्शन वाले फंक्शन. अब हमारे पास कुछ सोचो, अगर लीनियर फंक्शन आ जाए, मैं आपसे कह दूं fx is equal to x plus 2, ना तो ये फ्रैक्शन में है और ना ये अंडर रूट में है, तो क्या हम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं या नहीं? कुछ भी सोचो, उसके लिए रियल वैल्यू जरूर आएगी, कुछ भी, प्लस में, माइनस में, अंडर रूट में, ठीक है, फ्रैक्शन में, जो चाहे सोचो. जी बताइए बेटे, क्या कुछ भी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी? हर रियल वैल्यू के लिए यहाँ पे एक रियल वैल्यू है. तो आप क्या कहोगे लीनियर फंक्शन में, एफ इज डिफाइन फोर ऑल रियल नंबर्स.
बताइए ये बात समझ में आ रही है नहीं? दिमाग में चलना है सब कुछ। x प्लस टू का मतलब क्या है, आप जीरो रखो तो टू आएगा, वन रखो तो थ्री आएगा, माइनस वन बाई टू रखो तो वन बाई टू आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट टू रख दो तो ठीक है भाई, रूट टू प्लस टू आ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो हियर डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, दैट इज आर। बताइए बात समझ में आ रही क्या? यस सर। हाँ जी शाइन, रमेश? यस सर। आदि आदि तो गायब हो गए। विवेक? आ गई सर, आ गई आ गई समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अब बताओ, अगर ये आप सब बच्चों को समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, बस इतनी बकवास जो मैंने करी है इसीलिए करी है, एकदम से आपको समझ में आ जाए। इस चैप्टर पे मतलब इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज पे 2-3 दिन लगाएंगे तब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखो बताओ, ये फंक्शन है fx = -modulus x, बताओ इसमें हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। सबसे पहले क्या सोचना है, क्या ये फ्रैक्शन है, क्या ये अंडर रूट है? अगर फ्रैक्शन है तो डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट है तो इनर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और अगर ये लीनियर है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें हर कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। बताओ क्या है, लीनियर है ये? यस सर। तो क्या इसमें सब कुछ आ सकता है? यस सर। आप कुछ भी सोचो, जीरो तो उसके लिए जीरो आएगा, वन तो उसके लिए माइनस वन आएगा, माइनस वन उसके लिए वन आएगा, अंडर रूट टू तो माइनस रूट टू हो जाएगा, हर एक रियल वैल्यू के लिए रियल वैल्यू अवेलेबल है। हाँ जी सर बताओ। यस सर। यहाँ पे आप तो यहाँ पे आपको रख के नहीं देखना है ना, वैल्यू रख के बताना है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ लिखना है। क्या लिखना है? f is defined for all real values। तो इसका डोमेन हो गया सर जी r, बस इतना सा, ठीक है। एक और देखो, रेंज भी देखेंगे पहले, डोमेन ही देखेंगे। बताओ ये फ्रैक्शन है, अंडर रूट है, क्या है? अंडर रूट है, तो अंडर रूट के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी कि इनर वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस में नहीं होनी चाहिए। f is defined for, तो यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, वैल्यू अपना आप देके जाएगा ये। Defined for 9 minus x square must be positive. अब मैंने आपको सिखाया था कि भाई inequalities में क्या करना है, माइनस वाले को नहीं रखना है, वैसे भी जिन्होंने चैप्टर 6 कर लिया होगा तो उनके लिए तो आसान है, तो 9 must be x square more than equals. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें अंडर रूट लेंगे तो x square अभी नहीं करेंगे ना, तो x square हमारा क्या आ गया, less than equals to 9, या x होगा वो आएगा plus minus x is less than equals to 3. सब बच्चों को समझ में आ गया? जब अंडर रूट लेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, लेकिन प्लस माइनस x के साथ लगाएगा। अब x के साथ प्लस लगाओगे तो ये प्लस के लिए तो ऐसे ही रहेगा लेस देन इक्वल टू 3, माइनस के लिए क्या है लेस देन इक्वल टू 3, माइनस को इधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाता है, ऐसे आएगा। तो इन दोनों को मर्ज करो, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है x जो है माइनस 3 से बड़ा होना चाहिए और प्लस 3 से छोटा होना चाहिए। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? सर आई। यस सर। तो अब आप देखो इसमें हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ सर? आप से बेटे यही वैल्यू रख सकते हो, ये जो हमारे पास अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है इसमें आप माइनस 3 से प्लस 3 की वैल्यू, देखो मैंने करा क्या है, क्वेश्चन को दोबारा से देखने की कोशिश करो, मेरे पास क्वेश्चन क्या है और हमने किया क्या है, सब बच्चे समझेंगे तब करेंगे, इस पे टाइम लेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये हमारा क्वेश्चन है और जो हमारा डोमेन आया मतलब x आया है
वो आया है मोर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री लेस देन इक्वल्स टू थ्री. जो एक्स होता है वही हम रख सकते हैं, वही हमारा डोमेन है. अब आप कुछ सोचो बेटे, अगर यहां मैं एक्स को माइनस थ्री रखूं तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन. माइनस नाइन जीरो, तो हमारे पास एफ माइनस थ्री जीरो आ जाएगा. ठीक है, हमें माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू रखनी है. सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ माइनस टू रखो, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, नाइन माइनस फोर अंडर रूट फाइव, है ना. अभी तो हम सिर्फ इंटीजर ही रख रहे हैं, एक्स को हम माइनस वन रख सकते हैं. ठीक है, वन का स्क्वायर वन, नाइन माइनस वन एट. ठीक है, अब इससे दोनों चीज और दूसरी चीज भी क्लियर हो जाएगी. अगर मैं आपसे कहूँ नहीं एक्स को जीरो रख दो, एक्स को जीरो, तो एक्स को जीरो रखोगे नाइन माइनस जीरो अंडर रूट नाइन, अंडर रूट नाइन थ्री. एक्स को वन रख दो अंडर रूट एट. एक्स को टू रख दो अंडर रूट फाइव. एक्स को थ्री रख दो जीरो. अब जरा सोच के बताओ मुझे, क्या हम एक्स की वैल्यू माइनस फोर रख सकते हैं? फोर का स्क्वायर 16. नाइन माइनस 16 सेवन. सेवन ही अंडर रूट माइनस सेवन. अंडर रूट माइनस सेवन. तो ये रियल नंबर है? नो सर. अब जितनी भी आप थ्री से छोटी वैल्यू रखोगे, माइनस थ्री से छोटी वैल्यू रखोगे, हमेशा नेगेटिव है. अच्छा, थ्री से बड़ी फोर वैल्यू रख के देखना, एक्स इज इक्वल टू फोर. फोर का स्क्वायर भी क्या होगा? 16 ही होगा. नाइन माइनस 16 क्या होगा? -7. तो ना हम 3 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, ना माइनस 3 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं. तो सिर्फ किसको रख सकते हैं? माइनस 3 से 3 की वैल्यू. समझ में आ रहा है? यस सर. ये है हमारा डोमेन. तो आपको डोमेन तक ही देखना है जो हमने किया. अब यहाँ जरा एक बार इस पे रेंज देख लो, बस वैसे ही झूठी. आप माइनस 3 रखो या प्लस 3 रखो, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है अगर आप रेंज में देख रहे हो? जीरो से अंडर रूट नाइन. अंडर रूट नाइन का मतलब थ्री तक. थ्री तक. इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जीरो से थ्री तक ही क्यों आया. अच्छा, पहली वाली भी देख लो. पहला वाला जो था हमारे पास था एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स. हमने कहा डोमेन हमारा आर है, ऑल रियल नंबर. अब आप कोई भी रियल नंबर रख के देखो इसमें. ठीक है, मॉडुलस एक्स क्या होता है भाई? सब बच्चे बताओ मुझे, मॉडुलस एक्स क्या आएगा? मॉडुलस क्या कर देगा वैल्यू को? साइन पॉजिटिव कर देगा ना. तो आप कोई सा भी रियल नंबर रखोगे उसको वो पॉजिटिव कर देगा, लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव माइनस. माइनस पॉजिटिव का क्या कर देगा? नेगेटिव. इसका मतलब आप रखोगे तो कोई भी रियल नंबर, लेकिन आपको मिलेगा नेगेटिव रियल नंबर. नेगेटिव. तो ये आपका रेंज है. ठीक है, डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर. और रेंज क्या है? नेगेटिव रियल नंबर. इसी तरह से नीचे हमारा डोमेन क्या आया? माइनस थ्री से थ्री, लेकिन रेंज क्या आया? जीरो से थ्री. तो आज के लिए इतना ही है, इसी को डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह कि रेंज कैसे आ रहा है. तो आपको आज कुछ ज्यादा नहीं करना है, दो चीजें देखनी है जो मैंने आपको समझाई. अगर फ्रैक्शन होता है तो डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडर रूट होता है तो इनर वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. सर सही है? नमस्ते सर. नमस्ते.